हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? माइंड में क्वेश्चन आने लगता होगा कई लोग कि एक्साइट के लिए कि एमरॉन के लिए वैल्यू फॉर मनी थोड़ा देखना चाहते हैं क्योंकि कम प्राइस में अच्छी बैटरी मिल जाती है। जय बजरंग बली, बुरी बलाओं से बचा के रखना, बस बाकी सब तो मैं संभाल ही लूँगा। जब बैटरी चार्ज करवा के लेके आया तो जैसे सेल्फ के लिए लगाया, सेल्फ लगाया पट से बोली मेरी हवा बस हवा निकल गई। तो इसकी वारंटी कितने टाइम की होती है? लेकिन शोरूम वाले बताते हैं कि एक्साइट थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है। लोग यहाँ पे इतना तो ताड़ और सब प्रियालव सेजल और ये पता नहीं क्या क्या सब लिखते रहते हैं भैया। तो आगे बाइक खड़े होने के बाद बिल्कुल स्कूल के दिनों की याद आ गई। जैसे स्कूल में सबसे आगे बैठ जाते थे वैसे यहाँ पे आगे खड़े हो गए। वहाँ टीचर का डर था, यहाँ पुलिस का डर है। एक चीज में नोटिस कर रहा हूँ, गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मौसम देखिए लखनऊ का तो यार बढ़िया से बढ़िया होता ही जा रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ आरसी की नई बैटरी लेने। जिनको बताओ कि कुछ ब्लॉक पहले मैंने ड्यूक की बैटरी आरसी में ट्रांसफ़र करी थी क्योंकि ड्यूक को मैं यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि ड्यूक की जो क्रैंक केसिंग है वो क्रैक कर गई थी, तो उसको तो मैं यूज़ नहीं कर सकता था। तो मैंने उसकी बैटरी इसमें लगा दी थी। बहुत अच्छा मौसम है और मैं कहीं घूम ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब हर दिन ब्लॉग बनाना, बस एडिट करना, पूरे दिन बस यही करना, रील्स के लिए वीडियो बनाना, एडिट करना, पूरा दिन मेरा बस इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है। तो आज सोच रहा हूँ कि थोड़ा कहीं घूमूंगा और थोड़ा मज़े भी करूँगा। बैटरी की बात आती है तो माइंड में क्वेश्चन आने लगता होगा कई लोग कि एक्साइट के लिए कि एमरॉन के लिए, क्योंकि यही दो लीडिंग कंपनी है जो ज़्यादातर लाइक एक दूसरे को कम्पीट करती हैं। और मैंने दोनों ही बैटरी यूज़ करी है कई बार। एक्साइट की बैटरी देखिए इनबिल्ड आती है KTM में, और एमरॉन की बैटरी मैंने दो बार यूज़ करी है और तीसरी बार मैं इस बार भी एमरॉन की लेने का सोच रहा हूँ। क्योंकि ये नहीं है कि एक्साइट मुझे पसंद नहीं है, बस ये है कि एक्साइट मैं बहुत पहले जब यूज़ करता था तो मुझे अच्छे से याद है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इश्यूज़ आते थे। यानी इश्यूज़ इन द सेंस मैन्युफैक्चरिंग इशू कुछ ना कुछ होता रहता था। कई बार ये भी हो चुका है कि एक बार मैंने एक्साइट की बैटरी लगाई थी तो फट गई थी बैटरी। जिनको बताओ देखी उनने अच्छे से, तो बैटरी के ऊपर होल होते हैं ठीक है, जिसमें से लाइक पानी यानी भरा जाता है, वो वहीं से ही फट गई थी और पूरा लाइक पानी यानी एसिड जो था वो पूरा फैल गया था और मतलब अच्छा खासा। तो भैया मेरी तो हवा टाइट हो गई थी उसके बाद से एक्साइट कभी नहीं डलाई। और एक्साइट की ये भी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद वो ख़राब होने लगती है। क्लेम वाला इशू भी मेरा देखा था कि एक बार मैं क्लेम कराने के लिए गया था जब मेरी ख़राब हो गई थी और वारंटी पीरियड में थी, तो मैं क्लेम कराने गया था तो मेरा क्लेम भी वो लोग मतलब 5-6 महीने तक घसीट दिया था उन लोगों ने मेरा क्लेम पीरियड भी। तो कहीं ना कहीं मैं एक्साइट से उतना खुश नहीं रहता हूँ जितना मैं एमरॉन से रहता हूँ। एमरॉन का ये मैंने देखा है कि मैंने दो बार लगाई है और दोनों बार मतलब दो दो साल चली है। इसी को ले लिया, मैं इसकी डेट दिखाऊंगा जो मैन्युफैक्चरिंग थी, ये 2020 की है। ये बैटरी जो इसमें लगी थी वो आज चल रहा है 23 और 7वां महीना चला है। अप्रॉक्स आराम से 2.5 साल क्रॉस कर चुकी है और अब जाके उसने प्रॉब्लम दिया है। तो एमरॉन मुझे सही लगी इस मामले में क्योंकि उसकी प्राइस रेंज भी एक्साइट से कम है। शोरूम वाले बोलते हैं कि एक्साइट ज़्यादा अच्छी चलती है, लेकिन मैंने पर्सनली जितना यूज़ किया है उस हिसाब से मुझे एमरॉन सही लगी। और प्राइस वाइज भी देखें तो कम से कम 500-600 रुपये सॉरी सस्ती है। उस हिसाब से देखूँ तो यार ज़्यादा सही है। अगर एक्साइट को मैं यूज़ करता हूँ वो भी चलती उतनी ही है भाई, 2.5 साल से ज़्यादा कोई भी बैटरी नहीं चलती है। 12 वोल्ट की बैटरी इसमें पड़ती है, वैल्यू फॉर मनी भी है, अच्छी चलती भी है। एक्साइट भी ठीक है लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि मतलब इतनी अच्छी है। मुझे तो परफॉर्मेंस का कुछ खास सही नहीं लगा और इतनी प्रॉब्लम मैंने झेली है, तो मुझे लग रहा है कि एमरॉन ही सही है मेरे लिए। बाकी तो अपना अपना ओपिनियन है, कई लोग को शायद एमरॉन से इशू हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा अगर उनकी गाड़ी में कभी इशू हुआ हो तो। मुझे तो फ़िलहाल नहीं हुआ है और एमरॉन की सर्विस भी बहुत इजीली हो जाती है। मैंने क्लेम तो आज तक कराया नहीं है वैसे क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं आई। एक्साइट में कराया था तो बताया उसमें प्रॉब्लम हुई थी मुझे। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा एमरॉन यूज़ कर सकते हैं अगर आप वैल्यू फॉर मनी थोड़ा देखना चाहते हैं क्योंकि कम प्राइस में अच्छी बैटरी मिल जाती है। और देखिए वारंटी उसमें भी होती है, अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको नई बैटरी तो देखिए मिल ही जाएगी और एक्साइट में भी बैटरी मिल ही जाएगी आपको वारंटी में। लेकिन बस यही है कि एक्साइट आपको महंगी पड़ेगी। अगर वारंटी को मैं कह दूँ चलो ठीक है वारंटी में एक्साइट भी आपको मिल जाती है ख़राब होती है तो, लेकिन प्राइस वैल्यू बहुत डिफरेंस है। डाउन से पहले या कुछ टाइम बाद ही मैंने बैटरी चेंज करी थी
तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, तो मैं अमेज़न ही इंस्टॉल करूँगा। उस टाइम पे मैं रहता था बालागंज साइड पे, तो उधर ही साइड कई शॉप्स हैं बैटरी की, तो वहीं से मैंने लास्ट टाइम लिया था। तो यहाँ का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि बैटरी की शॉप मैंने इतनी यहाँ पर देखी नहीं है। तो मैं जाऊँगा बालागंज साइड ही, उधर से ही बैटरी लूँगा। क्योंकि आईफल टावर तो अपना बिल्कुल चमक रहा है, बिल्कुल मतलब इतना नहा चुका है बारिश में कि बिल्कुल ठीक है भाई, तुम भी खुश रहो। जाम में तो हमारा एंटर करना तो बिल्कुल हक बन चुका है। जय बजरंग बली, बस बुरी बलाओं से बचा के रखना, बस बाकी सब तो मैं संभाल ही लूंगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। डलाना था यार पावर वाला पेट्रोल, और मैं आगे आ गया यार। आगे कहीं पे पावर पेट्रोल मिलता नहीं है, और बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन है। अरे पेट्रोल में लाइक बिल्कुल मज़ा नहीं आती, और एवरेज भी नहीं मिलता है, और थोड़ा परफॉर्मेंस मुझे तो पता चलने लगती है, क्योंकि मैं सिर्फ पावर ही डलाता हूँ, तो मुझे थोड़ा पता चलने लगता है। तो पावर ही डलाना है अपने को। तो लास्ट टाइम जहाँ से हमने ली थी वहीं पर ही आ गया हूँ मैं। यहाँ पर भी लास्ट टाइम मैंने बैटरी यहीं से ली थी। चलो एक नई बात पता चली, 12 वोल्ट की सारी बैटरी होती है, तो 9 एम्पियर की बैटरी हमें बोलनी है। बिल्कुल जैसे राइडिंग के लिए चाहिए एटमॉस्फेयर, बिल्कुल वैसा ही है। इन लोगों ने कहा था कि ठाकुर रेंज में मिलेगी, देखना पड़ेगा। बगल में मुझको 3 दुकानें लाइन से मिल गई हैं, इनसे पूछते हैं। अमेज़न की बैटरी रखते हैं कहीं। अबे भाई मौसम बहुत प्यारा है, और खड़े होके जब आप थोड़ा ट्रैफिक को देखेंगे तो अच्छा भी लगता है। रनिंग ट्रैफिक, अमेज़न की निकाल दो 9 वोल्ट की बाइक की। जैसे इसमें देखिए आपको गड्ढे दिख रहे हैं, सेम मेरी एक्साइड की बैटरी ऐसी ही फटी थी। मतलब ऐसे गड्ढे होते हैं छोटी बैटरीज में भी, तो यही फट गया था, यही मतलब पॉप आउट हो गया था। मतलब बैटरी चार्ज करवा के लेके आया था, जैसे सेल्फ के लिए लगाया, सेल्फ लगाया पट्ट से बोली मेरी हवा, बस हवा निकल गई। तो ये है एक्साइड की बैटरी, और भाई वज़न तो अच्छा खासा है। देखिए 48 मंथ की वारंटी होती है, और कंडीशन विजिट एक्सटेंडेशन चुतियापा सुपर सील परफॉर्मेंस 0 मेंटेनेंस। तो साइड की आती है यहीं पे, अमेज़न की देखे तो आई गेस ये है अमेज़न की, छोटी लगी क्या, आई थिंक दूसरी होगी या तो पैकेज अलग है। 48 मंथ की X9, तो देखते हैं अभी इनसे पूछते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। हाँ इसके रिप्लेस में भी कुछ मिलता है ना, मतलब कुछ अगर एक्साइड लेंगे तो क्या कुछ होगा प्राइस वैल्यू कम इसका? हाँ, 200 रुपए कम होगा। अच्छा तो एक्साइड और उसमें अमेज़न का डिफरेंस कुछ है क्या कि नहीं, मतलब स्पेक्स में? स्पेक्स में हाँ, अमेज़न में थोड़ा सीसीए ज़्यादा होता है, तो प्ले शोरूम वाले बताते हैं कि एक्साइड थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है के लिए, अगर आपको ऑटोमोटिव में डालना है तो। हाँ क्योंकि मैंने भी इसको यूज़ किया, इसमें ना कोई प्रॉब्लम होती है, 2.5 साल चली है आराम से, ये 2.5 साल से ज़्यादा चली है ये। में ही रहता है जो सीसी होता है, कोल्ड क्रैंकिंग एम्प सबसे ज़्यादा होते हैं अमेज़न में, क्योंकि किसी भी बैटरी पे देखिए ये पर्टिकुलर मेंशन करते हैं, तो सबसे बेस्ट यही है, और कोई कंपनी कभी आपको मेंशन करती नहीं दिखेगी। तो क्या प्राइस है इसका, मतलब अमेज़न का बता दो क्या प्राइस है? 1900 रुपये की पड़ेगी आपको भाई, बाकी 200 रुपये की ये कम हो जाएगी। और यहीं पे एक्साइड की बताऊं तो कितने की पड़ेगी? एक्साइड की 50 रुपये ज़्यादा। ओके तो अमेज़न उस हिसाब से ज़्यादा सही है, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे यही अच्छी लगती थी, क्योंकि ये मेरी एक्साइड एक बार फट भी गई थी, मैंने अपनी गाड़ी में लगाया था ये एक्साइड, ये मतलब ऊपर नहीं होल होते हैं, तो वहाँ से फट गई थी। तो इसकी वारंटी कितने टाइम की होती है?
2 ईयर फुल रिप्लेसमेंट है प्लस 2 ईयर प्रो डाटा। ओके ठीक है फिर यही दे दो, कर देना चेक कर देना। मैं लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा तो मैं घर पे जाके। और इसमें कैसे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग कब की है ये? मई 2023 को। ओके लास्ट मंथ की मैन्युफैक्चरिंग दे रहा हूं आपको। क्या नाम भाई शॉप का नाम क्या है? सेंट्रल ट्रेडिंग। सेंट्रल ट्रेडिंग ठाकुरगंज। भाई शॉप तो बढ़िया है भाई, और यहाँ पे आपको जो भी बैटरी चाहिए और घर के लिए भी शायद बैटरीज और इन्वर्टर आराम से मिल जाएंगे। हम लड़के सिर्फ गाड़ी की टंकी देख के और हिला के बता देते हैं कितनी दूर जाएगी, तो ये कम से कम आराम से हज़रतगंज चली जाएगी, उससे ज़्यादा आगे चली जाएगी। ऐसे मुझे लाइक ओनर्स अच्छे लगते हैं, शॉप वाले जो मतलब जिनको सेल कर रहे हैं उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब देखिए एक्साइट 50 रुपये महंगी थी तो भी इन लोगों ने मतलब लाइक सही बताया, वरना कई लोग मैं देखते हैं कि एक्साइट की वरना तारीफ़ करने लगते ताकि उनको 50 रुपये का भी भले प्रॉफिट हो तो वो एक्साइट को ही अच्छा बताते, लेकिन उसने खुद बताया कि एमरॉन ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपेयर टू एक्साइट। और ये मुझे लाइक टेक्निकली नहीं पता था इन, बस मुझे एक्सपीरियंस से पता था कि हाँ मुझे लाइक एमरॉन ज़्यादा सही लगी थी, क्योंकि देखिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मैं सच बता रहा हूँ, जबकि मैंने बस ये ऑनलाइन प्राइस का मैंने चेक किया था कि हाँ 2400 के आसपास एक्साइट दिखा रहा था और 1700 के आसपास दिखा रहा था आपका एमरॉन, लेकिन सिर्फ 50 रुपये का ही डिफरेंस है उनने बताया। एक्सपीरियंस के बेस पर ही देखिए मैंने आपको बताया था कि एमरॉन ज़्यादा सही है इन कंपेयर टू एक्साइट, तो एक्साइट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखिए देती है, मैंने एक्सपीरियंस किया है देती है प्रॉब्लम। परफॉर्मेंस वाइज और प्राइस वाइज देखा जाए तो ज़्यादा बेटर ही लगी मुझे इतने टाइम पर यूज़ करने पर, तो आई वोट फॉर एमरॉन। ये देखो फुंतड़ू मस्त, अरे लाइफ हो तो ऐसी वरना ना हो। अच्छा बिल्कुल मौज, वो भी बिल्कुल ट्रॉली वाला बैग चला रहा है, तो सुकून में लाइफ हो तो ऐसी भाई। क्लॉक टावर देखिए भाई कितना प्यारा लग रहा है, धूप देखिए वहाँ पे आ गई है तो हल्की सी धूप निकल रही है, मौसम बहुत प्यारा है, मतलब बस शाम हो जाए और बस ऐसे ही मौसम रहे बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं सोच रहा था घंटा घर पे रुकूँ, लेकिन थोड़ा ये ज़्यादा ही क्राउडी प्लेस है तो मुझे थोड़ा पर्सनली थोड़ा लाइक क्राउडी थोड़ा नहीं पसंद है, खासकर मतलब ओपन एरिया में। क्लोज एरिया में क्राउडी चलो थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन ओपन एरिया में ज़्यादा क्राउड होता है तो मुझे हॉटस्पॉट लगने लगता है। पहले से ये काम चल रहा था, पता नहीं अभी कब हटेगा, थोड़ा टाइम बीत गया, ढक के ही रख दिया इन लोगों ने। अगर बंद कर रहे हो तो बंद ही कर दो, वो मैं कहूँगा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोग यहाँ पे इतना तो ताड़ और सब प्रिया लव सेजल और ये पता नहीं क्या क्या सब लिखते रहते हैं भैया, उनका देखो अगर नीचे फंस गया ना टायर के अंदर तो घुस ही जाएगा, वो ऊपर कर लो अपना अंदर घुस जाएगा। ओ भाई आखिरकार अब मिली फ्री स्पेस, और भाई हवा तो बिल्कुल क्या लग रही है, मतलब शरीर को जो ठंडी हवा छूती है ना भाई ऐसे मौसम में, सुकून। सुकून का नाम सुना है? सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून, बहुत आगे भाई खड़े होने के बाद बिल्कुल स्कूल के दिनों की याद आ गई, जैसे स्कूल में सबसे आगे बैठ जाते थे वैसे ही यहाँ पे आगे खड़े हो गए, वहाँ टीचर का डर था यहाँ पुलिस का डर है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया भाई, चाय वाय पी, और उससे ज़्यादा भाई मुझे बाहर कुछ अब समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों जैसे जैसे अब एज बढ़ती जा रही है भाई मुझे पता नहीं क्यों बाहर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस मुझे घूमना पसंद है, बाइक चलाना पसंद है, चाय पी लो और दोस्त हो तो हाँ चलो कुछ खा पी लो, ऐसे पता नहीं क्यों अकेले मन ही लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाहर, मेरी फेवरेट तो भाई आइसक्रीम है, अगर मैं बाहर हूँ और मुझे लाइक खड़े होकर बस मज़े करना है तो बस ईयरफोन लगाया आइसक्रीम ले ली और बस ट्रैफिक को देख रहा हूँ गाना सुन रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं भाई, इससे ज़्यादा कुछ सुकून नहीं है मेरे लिए। तो भाई ऐसे नज़ारे हो भाई, पॉपुलेशन देखो यहाँ, देखिए सूरज हमारा एक तरफ और सामने मेट्रो भी चली गई, बताओ इतना बढ़िया नज़ारा और क्या चाहिए, बचा ही नहीं कुछ, मतलब लखनऊ में यही है भाई, लखनऊ में बस अपनापन है और आपके फ्रेंड्स अगर हैं तो भाई थोड़ा इन्जॉयमेंट है। मुझे तो भाई यही इन्वायरमेंट पसंद है ज़्यादा, मतलब शोर शराबा नहीं, पहले मैं बहुत क्लबिंग करता था, अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया मैंने, मतलब एक लाइफ थी मेरी पहले लाइक क्लबिंग की, अब तो लाइक जब से मैंने ये सब छोड़ के मतलब जब से सुकून से अब रहने लगा हूँ। तो यही था इस व्लॉग में, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आपको अगर लाइक अपनी गाड़ी के लिए बैटरी खरीदनी है तो आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सी आपको बैटरी खरीदनी है,
अब मैं लेकिन यहाँ पे एक्साइट को लाइक वो डिफेम तो नहीं करूँगा, लेकिन भाई जो सच है अमेज़न का एक्सपीरियंस मेरा तो बढ़िया रहा, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अमेज़न। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ गाइज, राइड सेफ़।